व्हाट्सअप गाइस, और भाई कैसे हो तुम सब लोग। वेल एपिसोड में अपन बात करेंगे नन अदर मिस मार्वल के बारे में। वैसे मैं पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ, तो एक काम करते हैं, अपन स्पॉइलर के साथ बात करते हैं, स्पॉइलर के साथ डिस्कशन करते हैं, है ना। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुमने 6 के 6 एपिसोड देखे होंगे मिस मार्वल के। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ करते हैं शुरू। मिस मार्वल जो सीरीज है, ये कमाला खान की स्टोरी को फॉलो करती है, जो कि एक पाकिस्तानी सुपर हीरो है जिसकी फैमिली अमेरिका में शिफ्ट हो जाती है। लड़की के पास पावर ये है कि अपने वो कोई भी बॉडी का पार्ट बड़ा या छोटा कर सकती है। एक सेकेंड, ये हद से ज्यादा डबल मीनिंग हो गया है ना। तो मैं कहना ये चाहता था कि उसके पास ये पावर है कि वो अपने हाथ पैर को बड़ा छोटा लंबा सिचुएशन के हिसाब से कर सकती है। अब कॉमिक्स में तो उसे अलग तरीके से पावर मिलती है, लेकिन अपने को एमसीयू में ये दिखाया गया है कि उसे पावर मिलती है उस चूड़ी की वजह से, उस बैंगल की वजह से। लेकिन अपने को लास्ट एपिसोड में पता चलता है कि उसकी पावर उसके जीन्स में ही है, मतलब वो एक म्यूटेंट है, क्योंकि ब्रूनो एंड में ये कहता है कि उसके जीन्स में म्यूटेशन हुआ है, तो उसकी वजह से उसको ये पावर मिली है। और ये जो बैंगल है, ये बस एक टूल है उसके पावर को यूज करने के लिए। देख रहे हो, खानदानी पावर है। उसके पर नानी के पास भी थी, उसके नानी के पास भी थी, और अब इसके पास भी है। अब मेरे को इसका स्टार्टिंग का एपिसोड 1 देखने में काफी मजा आया, क्योंकि अपने को उसमें से कॉमिक जैसे एनिमेशन देखने को मिले, काफी बढ़िया प्रेजेंटेशन था, मतलब ऐसा कभी अपने को पहले कभी किसी मार्वल सीरीज में देखने को नहीं मिला था। लेकिन पता नहीं आगे के एपिसोड में ये सब गायब ही हो गया। बट एक बात तो है, कमाला की जो फैमिली दिखाई गई है अपने को, वो काफी रिलेटेबल लगती है। मतलब एक टिपिकल एशियन फैमिली होती है ना, थोड़ी ऐसे कंजर्वेटिव टाइप, वैसे दिखाई गई है। और कभी कभी इंग्लिश बोलते बोलते बीच में वो थोड़ी ऐसे हिंदी वर्ड भी बोल देते हैं, जो कि सुनने में अच्छे लगते हैं। और हाँ, हिंदी से मेरे को याद आया, इस सीरीज के हर एक एपिसोड में तुम्हें हिंदी सॉन्ग या बॉलीवुड सॉन्ग सुनने को तो मिलेगा ही, जिसे सुन के मजा तो आता है और ये सीरीज फेमिलियर लगती है। सीरीज के विलन की बात करो तो मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा कि भाई सीरीज का एक्चुअल मेन विलन कौन था। मतलब पहले 4 एपिसोड देख के लगा कि यार नजमाई मेन विलन है, लेकिन लास्ट का एपिसोड देख के लगा यार डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ही मेन विलन है। भाई मेन विलन था कौन, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। सीरीज में तुम्हें बॉलीवुड एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे फवाद खान, फरहान अख्तर, और इन दोनों का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था, और बाकी सबका भी काफी बढ़िया था। सीरीज के अंदर अपने को एक कॉन्ट्रोवर्शियल इवेंट भी दिखाया गया है, जो कि है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। अब ये अपने आप में काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो मुझे पता था कि मार्वल इसको ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाने वाला, और हुआ भी वैसा ही। मार्वल ने बस इसे ऊपर से दिखा दिया, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। लेकिन मेरे को टाइम ट्रेवल वाला सीन इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। मतलब भाई उस चूड़ी में क्या क्या पावर है, कभी टाइम ट्रेवल, और एंड में तो भाई उसने टेलीपोर्ट कर दिया कमाला को, और लोकेशन एक्सचेंज कर ली कैप्टन मार्वल के साथ। और एक और बात, कमाला की माँ को मिस मार्वल पसंद ही नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ही मिस मार्वल है, तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, अच्छा तुम हो मिस मार्वल, एक काम करते हैं घर पे चल के बात करते हैं। उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा कैसे चेंज हो गया, उसको पहले मिस मार्वल पसंद नहीं थी और अब अचानक पसंद आ गई। ऐसे ही मेरे को काफी सारे लूप होल्स यहाँ पे दिखे, जैसे कि जब कमाला टाइम ट्रेवल करती है और अपनी पद नानी से मिलती है, तो वहाँ पे अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होनी चाहिए ना मार्वल के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। और भाई टाइम वेरियंस अथॉरिटी कहाँ थी उस टाइम, और जब इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम फवाद खान और आयशा मिलते हैं, तो भाई वो इंग्लिश में क्यों बात कर रहे थे यार, वो काफी अजीब लग रहा था, तुम हिंदी में ही रख देते तो क्या फर्क पड़ता। अब देखा जाए तो मैं सीरीज के काफी सारे लूप होल्स निकाल सकता हूँ, लेकिन छोड़ो यार, कहाँ पे इतना टाइम है अपने पास। ओवरऑल मैं कहूँ तो मिस मार्वल एक ठीक ठाक सीरीज है। स्टार्टिंग के एपिसोड मेरे को काफी पसंद आए, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे एपिसोड की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होने लगी। और इसका फिनाले भी ठीक ठाक था, लेकिन जो म्यूटेशन और कैप्टन मार्वल वाला सीन था वो काफी बढ़िया था। अब मेरा ये गेस है, ये जो कैप्टन मार्वल वाला सीन है, ये कनेक्टेड होगा जो अगली मूवी आएगी दी मार्वल्स, उससे। देखते आगे क्या होता है। अगर तुम्हें शो देखना है तो तुम देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये शो एकदम देखने लायक ही नहीं है, देख सकते हो तुम इसे, बस कोई एक्सपेक्टेशन ही मत रखना। और अगर तुम्हें मेरी बकवास पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, उस सब्सक्राइब बटन पे चूड़िया फेंक के मारो या करो कुछ भी, तुम्हें जो भी करना है करो, बस दबा दो उसे। अब चलो मैं भी जा रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।